अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए हेडलाइंस। रूस की यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर कब्जे की जंग, कीव की गलियों में रूसी और यूक्रेनी फौज में घमसान की लड़ाई जारी, धमाकों की आवाज़ें, रूसी फोर्सेस का कीव के मजाफात में अहम स्ट्रेटजिक इलाकों पर कब्जा कर लिया, कीव में फौजी बेस और मरकजी ग्रेड स्टेशन पर भी कब्जे की कोशिश, यूक्रेनी हुकूमत का रूसी फौज को पसपा करने का दावा, कहा जंग के दौरान अब तक 3,500 रूसी फौजी हलाक और 200 को गिरफ्तार कर लिया गया, रूस 14 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक भी खो चुका, रूस ने यूक्रेनी दावों की तरदीद कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, इलाज के लिए लंदन चले गए। जहांगीर तरीन एक हफ्ते से लाहौर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के लिए ऐलान, कहा मुतहिद और राबते में रहना। वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन के लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन के आकबत नाअंदेश अनासर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार बोले, अदम एतमाद की बातों में शिकस्त खुर्दा अपोजिशन की तरह कोई जान नहीं, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। वजीर आला पंजाब से वजीर दाखला शेख रशीद की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। रूस और यूक्रेन की जंग में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने की कोशिशें जारी, पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं, मुश्किलात के बावजूद अपने शहरियों के इनखला को मुमकिन बना रहे हैं। मजमूई तौर पर यूक्रेन में तलबा की तादाद 3,000 के करीब है, ज़्यादातर तलबा को पड़ोसी मुल्क मुंतकिल कर दिया गया, 600 के करीब यूक्रेन में हैं। अमेरिका का यूक्रेनी सदर को मुल्क से फरार होने का मशवरा, यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी ऑफर ठुकरा दी, कहा मुझे गोला बारूद की जरूरत है, सवारी की नहीं, आखिरी दम तक मुल्क के दफा का ऐलान। अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान 40 मिनट की तवील गुफ्तगू। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने $350 मिलियन की सिक्योरिटी इमदाद जारी करने पर दस्तखत कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTD लाहौर की खुफिया इतला पर कार्रवाइयाँ, 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, असला और बारूदी मवाद पर आमद, गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीमों से है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में पेशरफ्त, पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करके मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया, 80 से ज्यादा मुलजिमान नामजद, प्रोसिक्यूशन टीम की सिक्योरिटी कमेटी चालान का जायजा लेगी, इंसदादे दहशत गर्दी अदालत कोट लखपत जेल में ट्रायल का आगाज करेगी। ये थी NA हेडलाइंस, मजीद खबरों के लिए देखते रहें NA न्यूज़।